오디오 इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बरोज जुमा 25 जनवरी को बेलगाम शहर में गांधीनगर इलाके में इमली मार्केट में यहाँ पर एक बेहतरीन इजलास अमल में आया। हिजामा कैंप, मुफ्त हिजामा कैंप का एहतमाम किया गया। मुहद्दिस आज़म मिशन की जानिब से इस इजलास का इनकाद किया गया और यह पहली बार इतनी बड़े पैमाने पर मुफ्त हिजामा कैंप का एहतमाम किया गया। इसके पीछे वजह भी यही रही कि यौम जमहूरिया के मौके पर 26 जनवरी रिपब्लिक डे के इस मौके पर हिजामा जैसे एक तिबई और दीनी इस काम को अंजाम दिया गया। हम सभी जानते हैं कि हिजामा 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है और इसे डॉक्टर अंग्रेज ने अंजाम दिया। इस वक्त बतौर मेहमान खुसूसी अनिल कुमार मडवालमट मौजूद थे। उन्होंने बेहतरीन बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है और मैं खुद भी कुरान पढ़ता हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में हिजामा की मुकम्मल फजीलत भी बयान की। वैसे तो डॉक्टर आतिक रंगरेज साहब ने बड़े ही वाज़े अंदाज में हिजामा की अहमियत, फजीलत, उसके फ़ायदे, तमाम तर चीज़ों को उन्होंने अवाम के सामने रखा। तकरीबन 150 से भी ज़ायद लोगों ने हिजामा के इस कैंप का फ़ायदा उठाया। मुहद्दिस आज़म मिशन की जानिब से ये गांधीनगर में रखा गया था। इस वक्त मुहद्दिस आज़म के सदर जनाब बाबूलाल बारगीर भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और दिगर मेहमानान ने फैज़ान गरीब नवाज के सदर जनाब सईद सामरेकर अशरफी भी इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी बात कही। ये इस नहज का ये बेहतरीन इजलास गांधीनगर इमली मार्केट में अमल में आया और किस तरह से कई लोगों ने इसका बड़ा फायदा उठाया। तकरीबन 150 से ज्यादा, ये पहली मर्तबा इतने बड़ी कसीर तादाद में और वाकई एक सराहनीय इकदाम है मुहद्दिस आज़म मिशन का। और मुहद्दिस आज़म मिशन की इस काम को वाकई सराहा गया, लोगों ने इसका फायदा उठाया और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होने के बावजूद लोगों का फायदा उठाया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आज जो है हिजामा कैंप रखा गया है, ये मुहद्दिस आज़म मिशन गांधीनगर उज्ज्वल नगर कमेटी की तरफ से रखा गया है और इसमें हमारे मेहमान खुसूसी गुलवामट साहब एडवोकेट हैं, अजीज चीफ गेस्ट एडवोकेट गुलवामट साहब, डॉक्टर आतिक अंग्रेज साहब मुहद्दिस आज़म मिशन के सदर साहब, जमात के मेहमान और डाइस पर बैठे हजरात और हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मुहद्दिस आज़म मिशन एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो दीनी और दुनियावी सेगमेंट में अपने बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। मसलन हेल्थ सेगमेंट में एजुकेशन अपलिफमेंट, दीनी प्रोग्राम, औरतों के इस्तेमाल, अरबिक स्कूल, लिटरेचर, गरीबों की मदद वगैरह। थेरेपिस्ट जो आज की इस
हिजामा की थेरेपी कर रहे हैं, इससे पहले भी इस उनका भी वेलकम करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा साथ ही साथ अदा करते हैं जनाब डॉक्टर अतीक रजे साहब, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर बीपीटी न्यूरोलॉजी स्ट्रोक एंड स्पाइन रिहैब स्पेशलिस्ट, इनको जो है हेल्थ डिपार्टमेंट और नेशनल लेवल पे एक न्यूरोलॉजी के ऊपर अवार्ड भी मिल चुका है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है मुहद्दिसे आज़म मिशन सेंट्रल कमेटी और मुहद्दिसे आज़म मिशन फरई कमेटी उज्जवल नगर और गांधीनगर की जानिब से ये जो यहाँ पे हिजामा कैंप हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 150 ऑलमोस्ट 150 लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट लिए हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये उज्जवल नगर और गांधीनगर फरई कमेटी मुहद्दिसे आज़म मिशन की जानिब से रखा गया है। मुहद्दिसे आज़म मिशन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया ही नहीं पाकिस्तान लंदन अमेरिका अफ्रीका पूरे वर्ल्ड में अपने खिदमत अंजाम दे रही है। ये जो है रिलीजन मुसलमानों की खिदमत के लिए करती है और जो है अदर भी जितने भी जो मज़लूम लोग होते हैं उनकी हेल्प करना ये काम इनका अंजाम देते रहते हैं ये लोग। इसी तरह से आज जो हिजामा कैंप को अंजाम दिया गया तो कैलकुलेशन उनका वही पे आता है कि 6 महीने 300 ml आप डोनेट कीजिए आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो ये सुन्नत हमें 1400 साल पहले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, बट ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन और हमारी लापरवाही के लिए हमने इसको छोड़ दिया है। हालांकि ये चीज सऊदी में बहुत आम है कि हिजामा करने के लिए वो लोग 15 से 20 दिन के अंदर रिपीट कराते हैं हिजामा, हमेशा एवरी 15 to 20 days वो हिजामा कराते रहते हैं हर महीने एक बार। तो इसकी बेनिफिट्स तो बहुत सारी है, आप लोग गूगल पे जाइए, आपको यूट्यूब पे चाहिए जितने वीडियोस मिलेंगे आप वहीं से नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो मेनली ये है कि हिजामा सुन्नत रसूल के अलावा साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है, इससे फायदे शरीर को इतने हैं कि वो बीमार नहीं सकेंगे। हम हर एक पार्ट के लिए जो खून जाता है वो खून हम जो गंदा खून है ऊपर उसको निकालते हैं तो नए खून को भरने का जरिया मिल जाता है। इतना एकदम सामान्य आदमी भी एक थेरेपी से उनका जो शरीर में जो टॉक्सिक मटेरियल है विषकारी मटेरियल है उनका ब्लड बंद खून में कोई गंदा गंदगी है और सब गंदगी निकालने के एक बहुत बढ़िया तरीका है और ये तरीका अपनाने के लिए कोई पैसा ज्यादा खर्चा करने का नहीं क्या नहीं। एक गरीब से गरीब लोगों को बहुत उपकार होने उपकारिक एक थेरेपी करके मैं बोलना चाहता हूँ। अल्लाह थ्रू हिज मैसेंजर देवदूत के मुखातर प्रॉफिट मोहम्मद को के इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन भेजता है और इस्लाम में क्या है दो चीज को बहुत महत्व देते हैं, एक जल्द और दूसरा समय अच्छे काम करने के लिए समय निकालने का। मैं आज मेरा घर में कुरान किताब है, इंग्लिश में भी है, कन्नड़ में भी है, उर्दू में है, ये होने के लिए हम दूसरा मजहब का ग्रंथ को पढ़ना चाहिए करके मैं समझता हूँ। इसलिए ये जो हिजामा है हिजामा करने के वक्त वो प्रेयर करना चाहिए, दुआ मांगना चाहिए और ये इफेक्ट कब होता है 17, 19 and 20% आप इस्लामिक कैलेंडर लूनर मंथ में किया तो ये बहुत इफेक्ट होता है करके मुझे जानकारी है। ये जो हिजामा इससे पूरा शरीर एकदम तंदुरुस्त होता है करके बोलने में मुझे कोई शक नहीं। ऐसा एक बार बार भगवान को भी और अराकी में मुहद्दिसे आज़म मिशन ये फैजान हुजूर साहब इस्लाम है कि जो नियत लेके हम खुलूस नियत लेके हम काम करने उतरे थे अल्लाह की मदद भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50 मिनट्स ऑलमोस्ट सिर्फ 15 मिनट में 100 मिनट हमारे पूरे हो गए थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है और उसी तरह से जो है मुहद्दिसे आज़म मिशन की जानिब से मैं हमारे एडवोकेट पूरे स्टेट में जिन्हें माना जाता है इन सब मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी इन कर्नाटका बहुत जिन्हें बेहतरीन एडवोकेट हैं वैसे एडवोकेट हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए हमारे बीच में तशरीफ फरमाया उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं।
उसके साथ साथ जो है हमारे शहीद साहब का भी जो है हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जितने हकीम यहाँ पे हाफिज साहब जो है नमाज के तालीम से चले गए, और फिर खसूस फैजान गरीब नवाज कमेटी के सदर साहब सईद अशरफी साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे दावत को लबैक कहते हुए यहाँ पे तशरीफ फरमाए। बस इसी साथ साथ मैं जो है प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।